अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इतनी हफ्ता का हफ्ता सीजन और अभी 9:15 है और मेरी मम्मा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी हेल्प कर लेती हूँ, मैं अपनी ब्रेकफास्ट खुद बना लेती हूँ और मैं अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो नॉर्मली तो मैं पैनकेक्स या ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट खाती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट 10 डेज तक एक ही होता है, फिर बाद में जाके चेंज होता है। तो आजकल मेरा ब्रेकफास्ट में चीज़ ऑमलेट, मिल्क शेक और टोस्ट का मेन्यू चल रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं वो कैसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास चीज़ ऑमलेट के इंग्रेडिएंट्स, एग्स, थोड़ी सी चीज, अनियंस, धनिया और ग्रीन चिली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एग्स ब्रेक करेंगे इस बाउल में। हमने इसमें 2 eggs डाले हैं और अभी हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। हम इसमें मिल्क इस वजह से डालेंगे ताकि इसको बीट करने में आसानी हो और ये थोड़ा फ्लफी बनेगा। इस तरह हम थोड़ा सा 2 tablespoons ये एग डालें, मिल्क डालेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। मेरी मम्मा इसको पहले से पानी में रखती है ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली डालूँगी। अभी मैं इसमें तो इसे स्पाइसेस डालूंगी, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा सा सॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मम्मा देसी घी में ये एग बना रही हैं, क्योंकि देसी घी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और वो हमें एक्टिव भी रखता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपना ऑमलेट बना लिया मम्मा की हेल्प से और मैंने अपनी ट्रे भी सजा ली। अभी मैं इसमें ही रखूँगी और अभी मैं अपना टोस्ट बनाऊँगी और उसके बाद मैंगो मिल्क शेक। चलिए पहले टोस्ट बनाते हैं। पहले इसमें मैं ब्रेड रखती हूँ। तो ये अभी बन रही है। और फ्रेंड्स, पहले तो मुझे ये टोस्ट अच्छी नहीं लगती थी, क्रिस्पी वाली, पर अभी मुझे ये टोस्ट बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। तो अभी ये बन रही है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको टोस्ट होने में कम ही टाइम रहता है, बस थोड़ी देर और लगेगी और हमारी ब्रेड टोस्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मेरा शेक रेडी हो रहा है। इसके लिए मेरे पास मिल्क है और फ्रीज मैंगोस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं जूसर में मिल्क डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं इस टाइम इतना शेक नहीं पी सकती, तो मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी अपने लिए। और अभी हम इसमें थोड़ा सा मैंगो डालेंगे, फ्रीज मैंगो है ये। हमने इसमें अपना मैंगो डाल दिया। अभी हम इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे। हम इसमें 3 spoons शुगर डालेंगे।
फ्रेंड्स वो पॉट की स्पून थी और वो टीस्पून से भी छोटी थी, इस वजह से हमने उसमें 3 स्पून शुगर डाले हैं और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा शेक रेडी हो गया और अगर आप इसमें फ्रीज मैंगो डालेंगे तो आपका भी शेक इसी तरह ही क्रीमी होगा। और अभी हम इसमें ये शेक डालेंगे। हम अपना शेक ट्रे में सर्व करेंगे, उसमें रेडी करेंगे। ओके, तो अभी हमारा ट्रे रेडी हो गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ चीज़ ऑमलेट, टोस्ट और क्रीमी मैंगो मिल्क शेक।